बदलते मौसम के साथ जुकाम खांसी की आम समस्या है। खांसी एक नेचुरल रिफ्लेक्स है जो आपकी लंग्स की सुरक्षा करती है। खांसने से आपके फेफड़ों की नलियों में छिपी हानिकारक चीज़ें साफ होती हैं, लेकिन कई कफ वायरल इन्फेक्शन जैसे कोल्ड और फ्लू से पैदा होते हैं। जहां कई बार कफ अपने आप ठीक हो जाता है, वहीं कभी कभी आपको कफ के लिए दवा भी लेनी पड़ सकती है। कभी कफ एक जैसे नहीं होते तो दवा भी एक जैसी आप नहीं ले सकते हैं। सामान्य तौर पर खांसी दो तरह की होती है, कफ या बलगम वाली खांसी और सूखी खांसी। अगर आपको कफ वाली खांसी है तो ऐसा कफ सिरप लेना चाहिए जो इस कफ को आपके फेफड़ों से बाहर निकाले। इसके लिए एक्सपेक्टोरेंट सिरप आते हैं, ये कफ को पतला कर इन्हें बाहर निकालने में मददगार होते हैं। आप डॉक्टर की सलाह पर एक्सपेक्टोरेंट ले सकते हैं। इसके साथ ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिए, इससे म्यूकस पतला होगा। एक्सपेक्टोरेंट सिरप आपका कफ निकालते हैं। अगर आपको खांसी से दर्द, जकड़न या सांस फूलने या सांस लेने की समस्या को दूर करने के लिए ब्रोंकोडायलेटर ले सकते हैं। ये एयर पैसेज को खोलकर सांस लेना आसान करते हैं। ब्रोंकोडायलेटर को आप डॉक्टर की सलाह पर सिरप या इन्हेलर के तौर पर ले सकते हैं। वहीं सूखी खांसी में कोई कफ नहीं आता, लेकिन ये काफ़ी दिक्कत देती है। इसके लिए आपको कफ सेम्प्रेसेंट्स दिए जाते हैं। कफ सेम्प्रेसेंट से खांसी में आराम मिलता है। सामान्य तौर पर ये सिरप के तौर पर लिए जाते हैं। इन्हें डॉक्टर की सलाह पर लेना चाहिए। साथ ही थ्रोट लॉन्जेज, ये छोटी गोलियां होती है जो मुंह में घुलकर खांसी को रोकती हैं। इनमें शहद, अदरक, पेपरमिंट, मेथॉल, यूकेलिप्टस ऑयल, सेप्रेसेंट और दूसरे सूदिंग एजेंट्स होते हैं। फ़ायदा यह है कि ये थोड़ी देर के लिए आपकी खांसी रोकती है और गले को राहत देती है। अगर आपकी खांसी 3 हफ्ते से ज़्यादा है और बुखार के साथ है तो आप तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। बेहतर होगा कि कोडीन वाले कफ सिरप ना लें, क्योंकि इनकी आदत पड़ जाती है। बच्चों या बड़े एंटी एलर्जी दवाएँ ना लें, वरना उन्हें नींद आती रहेगी। कई सिरप्स में सेप्रेसेंट्स, एक्सपेक्टोरेंट्स और एनाल्जेटिक्स होते हैं, इन्हें ना लें, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि आपको ये तीनों ही समस्याएँ हों। Subscribe our channel and press the bell icon for more updates.